आए हुए 48 घंटे हो चुके हैं, ना तो इन्होंने आंखें खोली हैं और ना ही कोई मूवमेंट दी है। जितनी देर ये कोमा में रहेंगे इनके वापस आने के चांसेस कम होंगे। कौन हो, क्या हो, क्यों हो, किस लिए आए हो, कैसे मौत हुई है? अच्छी मौत हुई थी या कुत्ते की मौत मरे हो? मैं जिंदा हूँ। और मैं एंजेलिना जोली। मैं बाकी जिंदा हूँ, अंदर एडमिट हूँ लेकिन कोमा में। अगर तो तुम जिंदा होते ना तो यहाँ पे ना होते। जरा पूछो उनसे जाके जो मर चुके हैं, जो आज तक तरस रहे हैं कि उनको एक मौका मिल जाए, वो वापस जाकर कुछ ऐसा कर सके जिससे उनको फायदा हो। और तुम खुदकुशी करने गए थे। काश मैं भी तुम्हारी तरह बहादुर होता। अपनी जिंदगी तो बेमकसद गुजार दी, मौत भी बेमकसद ही मिली। ऐसे मत कहो, गलती की है तो उसे गुनाह मत मनाओ, माफी मांगो और आगे चलो। आज की सोचो, भूल जाओ कल क्या था और कल क्या होगा, जो है वो आज है। अच्छा वो पहले वाले के लिए सॉरी। हाँ कुछ ज्यादा ही भूल गई मैं। वैसे आपस की बात है, बहुत गलत कह रहे थे तुम। आई एम श्योर तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा ना तो जूते मारेंगे। कुछ नहीं कहेंगे वो। वो क्यों? उनके पास वक्त ही नहीं इन सब चीजों के लिए। वो भी मरने वाले, सबको मार के मरेंगे वो। ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरी अम्मी नहीं, she passed away when I was 6, तो मेरे बाबा ने मुझे बोर्डिंग में भेज दिया। साल में शायद सिर्फ 2 दफा मुलाकात होती थी, वो भी ईद पे। उसमें भी सिर्फ मेरी क्लास पार्टिसिपेशन और ग्रेड्स के बारे में ही बात होती थी। किसका बच्चा क्या बन गया, कौन कितना आगे चला गया और मैं कितना पीछे रह गया, यही बातें सुनता था मैं। कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, कैसी गुजर रही है मेरी जिंदगी अनजान लोगों के बीच में, अगर डर जाता हूं तो किसको पुकारता हूं। 15 साल में अकेला रहा। जब वापस आया तो हम दोनों के दरमियान 15 साल का फासला था, जिसे ना कभी उन्होंने खत्म करने की कोशिश की ना मैंने। हाँ महीने के एंड में एक चेक जरूर आ जाता है मेरे अकाउंट में, जिसको मैं उड़ा देता हूँ। और दोस्त? कोई दोस्त नहीं, जानने वाले बहुत हैं लेकिन दोस्त कोई नहीं। चलो कोई नहीं, मैं हूं ना, मुझसे दोस्ती कर लो। मैं सीरियस हूँ, ऐसा दोस्ती करके बहुत फायदे में रहोगे तो। अच्छा चलो, आज से हम दोनों दोस्त। वैसे दोस्त आपका नाम क्या है? अलीज़े। शेरियार। Nice to meet you, Mr. शेरियार। Pleasure is all mine, Miss अलीज़े। ये क्या बेवकूफी है? कितनी बार समझाया तुम्हें कि प्लेट्स यहाँ रखनी है, कटलरी वहां रखनी है। जब यहाँ पे काम करती थी ना, जिंदगी अजाब की भी थी इसने। अब क्या मेरा मुंह तक रही हो? जाओ अंदर काम करो। जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मर के नहीं छोड़ूंगी। रुको, किसने किया? कौन था? क्या हुआ सर? ये किसने किया? कौन था? क्या सर? मेरी कुर्सी कहाँ है? सर आपके पीछे ही है कुर्सी तो। मैं?
पर ये तो अच्छा चलो जाओ जाके अपना काम करो। ये कैसे किया तुमने? क्या उससे किस तरह गायब किए? ऐसे मेरे फेवरेट फूल है। एक बात पूछूं? पूछो। ये जो अभी तुमने किया था ये कैसे किया? अरे यार तुम अभी तक वहीं पे फंसे हो। फंसा हुआ नहीं हूं, बस वो वैसी क्यूरियोसिटी हो रही थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे पहले तुम दरवाजों के बीच में से गुजर सकते थे? नहीं। अब गुजर सकते हो? हाँ exactly. इसी तरह ये सारी पावर्स मुझे यहाँ आके मिली, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब इसके अलावा और भी पावर्स हैं? That's what. Wow. मिस्टर शाहनवाज। डॉक्टर कैसे हैं? पहले से बेहतर है। ठीक हो जाएगा ना? देखिए मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, इस तरह के केसेस में अमूमन 3 से 4 दिन में पेशेंट को होश आ जाता है या एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन शेरे आज ये तो ऐसे है जैसे यहां मौजूद ही ना हो, जैसे वो जा चुका हो। जा चुका हो? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब है आपका? मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है जो कि गलत भी हो सकता है। इसे ठीक कीजिए डॉक्टर, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जिस जिस फिजिशियन को आप बुलाना चाहते हैं बुला ले, मैं इसे फिर से नहीं खोलना चाहता। मिस्टर शाहनवाज मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं। आप नहीं समझ सकते डॉक्टर। डोंट वरी, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। दुआ कीजिए इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। प्लीज डॉक्टर प्लीज। Thank you.
मेरे बच्चे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। जाओ बात करो उनसे। तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। मैंने तेरे साथ जितनी भी ज्यादतियां की है ना, मैं उनका सारा करूंगा। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, किसी काम से नहीं रोकूंगा। पापा आप बिल्कुल सही कहते थे, तनीन मुझसे प्यार नहीं करती, उसको तो सिर्फ आपके स्टेटस और आपकी दौलत से प्यार है। सो सॉरी बाबा, मेरी वजह से आप इस हाल में। नहीं शेर, माफी तो मैंने तुमसे मांगी। जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे संभालूंगा खुद को और तुम्हें कैसे संभालूंगा। संभलते संभलते वक्त गुजर गया, सालों बीत गए। मैं वो वक्त उस साल तो वापस नहीं ला सकता मेरे बच्ची, पर मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूं। नहीं खोना चाहता तुम्हें फिर से मेरे बच्चे, नहीं खोना चाहता। नहीं बाबा, आप मुझे नहीं खोएंगे, मैं यही हूं, आपके पास हूं, मुझे महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकता, मैं तुम्हें महसूस। शेरे शेरी, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी एलिज़े। बचपन से लेके आज तक मैं यही सोचता रहा कि मेरे और मेरे डैड के बीच में ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं होंगे, पर
15 साल के फासले अब खत्म हो चुके हैं और सिर्फ तुम्हारी वजह से अली से। Now I think it's never too late. अच्छा, तो क्या करना चाहते हो तुम? अब वही सब जो आज तक कभी नहीं कर सका। तो ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई डर है ना कोई खतरा, ना कोई सवाल ना जवाब, ना कोई परेशानी। तो ठीक है, आज से हम हर लम्हा ऐसे जिएंगे जैसे वो आखिरी हो, कल का सोचे बिना, हमेशा। लेकिन हम करेंगे क्या? चलो। कितना सुकून है ना यहाँ पर, और वक्त भी कितना जल्दी से गुजर जाता है। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। क्यों? सोच रहा हूँ कि अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। बिल्कुल भी मुख्तलिफ ना होती। क्यों? क्योंकि हुजूर, जो गुफ्तगू हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं ना आज, वो वहां नहीं हो सकती। वो क्यों? तुम अमीर लड़के कभी किसी गरीब लड़की को देखते हो? लड़के तो हर तरह की लड़कियों को देखते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, तुमने आज तक कभी किसी वेट्रेस से बात की है? बहुत दफा। ऑर्डर के अलावा? यही मैं कह रही हूं, हम सिर्फ यहां पे साथ हो सकते हैं। वहां पे हमारी दुनिया बहुत अलग है। वहां साथ नहीं हो सकते तो क्या हुआ, यहां तो साथ है ना। फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं तो करना भी मत, वरना दोबारा मारे जाओगे। अरे कहाँ जा रही हो? मैं भी आ रहा हूं। इधर जा रही हो? रुको। I'm sorry, Mr. Shahnawaz.
मैं आपको और उम्मीद नहीं दे सकता। लेकिन डॉक्टर आपने तो कहा था कि मैंने कहा था पर वो ठीक नहीं हो रहा, जैसा आया था वैसा ही है, इस तरह उसको रखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। मसला हॉस्पिटल का नहीं है सर, जस्ट वो जा चुका है, उसको इस तरह अब और रोकने का कोई फायदा नहीं है, जाने दीजिए उसे। यह आपके लिए कहना आसान है, मेरे लिए नहीं, उसके अलावा मेरा और कोई भी नहीं। आखिरी सहारा है वो मेरा, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगा। ये खुदगर्जी है, रिपोर्ट्स वाज़े हैं, उसको अगर होश में आना होता तो बहुत पहले आ चुका होता, जिंदा लाश है वो, उसकी मुश्किल आसान करें, जाने दीजिए उसे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, लेकर जा रहा हूं मैं उसे। क्या हुआ? चलो। परेशान हो? नहीं, खुश हूं। खुश? किस बात पे खुश हो? तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने कहा है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि मैं हमेशा इधर ही रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा। ये तो परेशानी की बात नहीं है। नहीं, ये खुशी की बात है अलीज़े। मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मैं कहूँगा, लेकिन मैं वाकई यहाँ पर बहुत खुश हूँ। शायद अपनी पूरी लाइफ में मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना यहाँ पर हूँ। पर तुम्हारे बाबा? वो संभाल लेंगे खुद को। भी वापस जाकर सवाए परेशानियों के मैंने तो और उनको कुछ देना नहीं है। तुम नहीं चाहती हो कि मैं यहां पर रहूं? चाहती हूं, बहुत ज्यादा चाहती हूं, लेकिन मैं खुद कर्ज नहीं हो सकती। तुम खुद गर्ज हो सकती हो अलीज़े। देखो, मैं यहां अपनी मर्जी से तो नहीं आया ना, लेकिन अब रहना चाहता हूं यहां पर। वैसे भी मैं तुमसे शेरी, शेरी तुम ठीक हो? शेरी, शेरी तुम्हें क्या हुआ है? शेरी, 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 ये क्या हो रहा है? चार्टर 100। Yes, sir. शेरी, तुम्हारा हाथ मुंह हो रहा है, तुम जाग रहे हो। मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। अलीज़े, मैंने वापस नहीं जाना। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे रही है। मुझे कोई दूसरा मौका नहीं चाहिए, मैंने यहीं पर रहना है तुम्हारे पास, और मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूं, तुम अकेली हो जाओगी। शेरी,
मैं अकेली नहीं हूं, तुम साथ हो। बाय शेरी। सब जानना चाहती हूँ, कौन हो, क्या हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे मरे, क्यों मरे, क्या हुआ, सब बताओ, सब जानना चाहती हूँ। मैं जिंदा हूँ। चल झूठा। मैं वाकई जिंदा हूँ, अंदर एडमिट हूँ, कोमा में हूँ। जितनी देर ये कोमा में रहेंगे इनके वापस आने के चांसेस कम होंगे। तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? ब्रिज पे। ब्रिज पे क्या कर रहे थे तुम? सुसाइड करने गया था। तुम्हें कहीं ये टेंशन तो नहीं है कि अगर तुम जल्दी ना उठे तो तुम्हारी मंगेतर किसी और से शादी कर लेगी? फिराज, कोई लड़की तुम्हें इनकार करेगी तो तुम खुदकुशी कर लोगे। इसलिए दी गई थी तुम्हें ये जिंदगी, इतनी फालतू है तुम्हारी जिंदगी। मंगेतर थी वो मेरी, प्यार करता था मैं उससे। प्लीज, कोई प्यार व्यार नहीं करते थे तुम उससे। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम। तुम जानती क्या हो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कि मुझे लेक्चर पे लेक्चर दे रही हो? मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। तुम कोमा में हो? I'm sorry, मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। मेरे साथ चलोगे? किधर? यहाँ मैं काम करती होती थी। यहाँ? इतने सारे ख्वाब देखे थे मैंने। कैसे ख्वाब? पेंटर बनने के, डॉक्टर बनने के, बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोलने के और 20,000 की शॉपिंग करने के। फिर कौन से ख्वाब पूरे किए आपने इनमें से? ख्वाब बन के रह गए और मैं वहीं की वहीं अच्छे वक्त की आस में दिन गुजार दिए और जीना आ गया। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी अलीज़े। Now I think it's never too late। अच्छा, तो क्या करना चाहते हो तुम? अब वही सब जो आज तक कभी नहीं कर सका। तो ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ना कोई डर है ना कोई खतरा, ना ही कोई सवाल ना जवाब, ना कोई परेशानी। तो ठीक है, आज से हम हर लम्हा ऐसे ही जिएंगे जैसे वो आखिरी हो। कल का सोचे बिना हमेशा। फ्लर्ट कर रहे हो? करना भी मत वरना दोबारा मारे जाओगे। वो ठीक नहीं हो रहा, अब उसको रोक के रखने का कोई फायदा नहीं। जाने दीजिए उसे। इसे ठीक कीजिए डॉक्टर, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जिस फिजिशियन को आप बुलाना चाहते हैं बुला लें, मैं इसे फिर से नहीं खोना चाहता। मैं यहीं रहना चाहता हूँ, शायद अपनी पूरी लाइफ में मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना यहाँ पर हूँ। तुम नहीं चाहती हो कि मैं यहाँ पर रहूँ? चाहती हूँ, बहुत ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद खर्च नहीं हो सकती। आए शेरी। Mr. Sheriar, welcome back.
बाद फिर जल्दी उठ गए थे। नींद कहाँ आती है बाबा, जितना सोना था सो लिए, अब जागना है मुझे। तुम्हारी डिस्चार्ज स्लिप आ गई, चाहो तो घर आ सकते हो। फोर्स नहीं करूंगा मैं तुम्हें, जब दिल चाहे घर आ जाना। बाबा थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन यहां तो वक्त ही मेरा जख्म है। एक काश में रुकी है मेरी जिंदगी, काश के हम किसी और दिन किसी और तरह मिले होते। मैं तुमसे तुम्हारे सारे गम लेकर अपनी तमाम खुशियां दे देता, तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करता, और वो तुम्हें वो 20,000 की शॉपिंग भी कराता। अलीजे मैं जानता हूं तुम यहीं हो, इसलिए मैं भी यहीं रहूंगा, चाहे पूरी उम्र बीत जाए। इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा। आई लव यू अलीजे, नाउ एंड ऑलवेज। कुछ तो देखा मुझे, सब है से आया, कर दे रेहा मुझे, रेहा मुझे।